नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। झाबुआ जिले में अवैध खनन का मामला जोर शोर से चल रहा है। 8 लेन कार्य तेज गति से चल रहा है, मगर भूमाफियाओं जो कि राजस्व विभाग के साथ निजी जमीन मालिकों की जमीनों की भी अवैध खुदाई कर हानि पहुंचाने में लगे हैं। इसी के चलते थांडा तहसील के खवासा तेजपुरा गांव के समीप भूमाफियाओं द्वारा दूसरी की निजी भूमि से अवैध खनन कर रहे हैं, जिसका किसी को भी पता नहीं चला। मामला नरसिंहपाड़ा पंचायत का है, जहां पर सूरत के एक व्यापारी ने तेजपुरा में करीबन 80 से 100 बीघा जमीन खरीद रखी थी। गत दिनों उनकी निजी जमीन से अवैध खनन करके 8 लेन को मोरन चोरी चुपके बेच दिया गया। गांव वालों ने जमीन मालिक को बताया तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। साथ ही सूरत से अपने मैनेजर रमेश भाई को भेजा तो पता चला कि उनकी जमीन 20-25 फीट खोद डाली है और मिट्टी 8 लेन को बेच दी है। नायक की भूमि पास ही में है, जो नवापाड़ा तेजपुरा सीमा को भी भूमाफियाओं ने नाका भी तोड़ दिया है। जब मौके पर गांव वालों ने सूरत से आए मैनेजर से अवैध खनन को रुकवाने की बात की तो स्थानीय ठेकेदार ने गाली गलौज कर जान से मार देने की धमकी दी। साथ ही खुद जमीन मालिक व गांव के सरपंच से चर्चा की तो उनका कहना है कि मुझे भी इस बारे में पता नहीं है, इन्हें स्वीकृति किसने दी व अवैध खनन पर किसी ने रोक क्यों नहीं लगाई। कोटवार है, जिस प्रकार से यहाँ पर अवैध खनन चल रहा है, 8 लेन वाले अवैध खनन कर रहे हैं, किसकी भूमि और कौन कर रहा है और कहाँ जा रही है भूमि? सर, ये भूमि 8 लेन वाले ले जा रहे हैं खोद के, और ये भूमि वाले कह रहे हैं कि हमारी है। नायक साहब कहते हैं हमारी है और डॉक्टर साहब कहते हैं हमारी है। कौन डॉक्टर साहब, कहाँ के हैं? दाहौद के हैं, पिटोल के रहने वाले हैं। और सूरत वालों की भूमि कहाँ पे है, जमीन किसकी? सूरत वालों की भूमि जो सीमा पे है वो तेजपुरा में है, और जो पिटोल वाले की है वो नवापाड़ा में है। वो सीमा दोनों ने तोड़ डाली है। अच्छा, तोड़ी ये दाहौद वाले ने तोड़ डाली, पिटोल वाले। यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ कि करीब करीब 20 से 30 फीट खुदा हुआ है, ये किसने तोड़ा, किसने खोदा, और यहाँ ये भूमि किसकी है जहाँ पर अपन खड़े हैं? ये दोनों तरफ की भूमि खोद डाली है इन्होंने। इधर सूरज वाले सेठ की खोद डाली है, और दाहौद वाले को पूछा तो ये हमारी जमीन है, कोई सूरज वाले की जमीन नहीं है। अच्छा, हम एक बार यहाँ आए थे बंद करवाने के, आपको क्या लेना देना है, ये तो हमारी जमीन में हम खुद के ले जा रहे हैं, हमारी जमीन में कुछ भी कर सके हम। अच्छा, गांव में अवैध खनन चल रहा था तो आपको पता था, आपने जमीन मालिक को सूचना आपने दी थी क्या? जी, हमने दी थी। क्या तो जमीन मालिक यहां पर आया और उन्होंने देखा, कुछ कार्रवाई करवाई उन्होंने? कार्रवाई अभी उनको बुलाया है, वो भी आए हैं, और उनको फोन लगाया तो कह रहे हम अभी हम नहीं आने वाले हैं, डॉक्टर साहब पिटोल वाले। क्या नाम सुबह आपका? मेरा कालू सिंह कटारा, कोटवार हूँ, नवापाड़ा का। कि ये भूमि मतलब कैसे उठा रहा आप, तो वो बोलता है कि हमारी है या तो हम तो कुछ भी कर सके और किसी को भी दे सके हम, और वापिस मैं जंगल खड़ा करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ये ऐसे कर गए वो 8 लेन वाला बेच दी इसने। हम बोले तो हमको डांटते हैं, मेरी ज़मीन में मैं कुछ भी कर सकूँ, ऐसे ऐसे करके बताए, और नहीं तो परमिशन नहीं किसी को बताई, पंचायत नहीं कोटवाल के, कोई पटेल को, कोई सरपंच को, किसको पूछना क्या, ये ज़मीन मेरी है, तेरी ज़मीन में ठीक है, और ये इसकी ज़मीन है नवापाड़ा में, और सूरत वाला सेठ नहीं है तेजपुरा में, और डॉक्टर की ज़मीन हमारा तेजपुरा में है ही नहीं, तो ये खुद आता है सर। इसको आपके द्वारा रोका गया तो क्या बोला इसने? 10 बार रोका की कोशिश करी है हमने, तो वो कह के नहीं, वो नहीं मानता है, वो कह के मेरी ज़मीन में कुछ भी कर सकूं, और कौन बोल वाला है बीच में ऐसे बताता है, और आते हैं बंदूक लेके आते हैं, घूम कर टेढ़ा टेढ़ा देख के निकल जाते हैं। वो बंदूक लेके आए, क्या बंदूक आपको दिखाई उन्होंने कि ज़्यादा तो करेगा? हमें नहीं करी पड़ता कि बंदूक लेके आता है वो डराने के लिए। हाँ, डराने के लिए कि मेरी ज़मीन है, कौन रोकने वाले मेरे। अच्छा, ये यहाँ पे जो खनन हुआ है ये कौन करवा रहा है? ये सर यहाँ पे जो इनका ठेकेदार होगा पिटोल वाले का, वो पिटोल वाला का यहाँ देख रहे कि उसका महेश तेली करता है, छुआन करके महेश, वो डॉक्टर वहाँ से फोन लगाते हैं कि महेश भाई देख लेना, महेश भाई देख लेना, वो देखते है। अब जो मिल के क्या धंधा करता है तो अपन को क्या मालूम। अच्छा, यहाँ की मिट्टी निकाली ये सब इन्होंने किसको बेची? ये 8 लाइन वाला बेची सर, 8 लाइन वाले को बेची पूरी। ये जो देख रहे हैं अपन, पूरी 20-25 फीट जो खोद दिया है, वो हमारी सीमा है, यहाँ पे सीमा है, तो वो जमीन जो हमने पटवारी साहब आया था उस दिन, और सेठ भी था सूरत वाला, तो उस दिन पटवारी साहब आया था, उसमें देखी हमने तो ये जमीन निकली सूरत वाला सेठ की, और डॉक्टर की जमीन इधर निकली नवापाड़ा में,
ये हमारी दोनों की सीमा थी, इसने तोड़ दी, गहराई 20 से 25 फीट गहरी कर दी। अब कहते हैं कि मैं बुरवा दूंगा और ये करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, पहले से क्यों करे ऐसा पूछते भी नहीं। और किसको गांव में हमारी जमीन है तो किसी किसी को तो पूछना चाहिए कि अच्छा पंचायत से भी कोई अनुमति नहीं ली? कोई अनुमति नहीं है सर। क्या शुभ नाम आपका? मलाल सिंगार तेजपुरा सर। ये पिटोल का डॉक्टर साहब है, वो के एटलैंड वालों को उन्होंने उनकी निजी जमीन से बेची बिटी, और फिर हमको मालूम पड़े कि डॉक्टर साहब ने बेची और सूरत वाले सेठ के मैनेजर आए थे पिंटू भाई, तो उन्होंने हमको कॉल करा कि आप क्या अवैध खनन हो रहा, आप क्या देख रहे हो, आप इस पार्ट पे आइए और देखिए, ये तो मेरी निजी ज़मीन में हो रहा है। फिर मैंने पटवारी मैडम को कॉल करा कि ऐसा ऐसा है, आप चलिए साथ में। तो साथ में पटवारी मैडम को ले गए हम, फिर गांव के चौकीदार को खबर करी, मैं खुद इस पार्ट पे गया और इस पार्ट पे जाके देखा तो वहाँ तो नवापाड़ा और तेजपुरा दोनों की सीमा तोड़ दी और वास्तव में अवैध खनन हो रहा, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। किन के द्वारा किया जा रहा है अवैध खनन? अवैध खनन एटलैंड वालों के द्वारा किया जा रहा, पर वो वहाँ वो बेच रहे ना वो अपने पेट्रोल वाले डॉक्टर साहब, वो कह रहे मेरी ज़मीन है। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? देवेंद्र नायक। और उनके महेश जी चौहान उसकी देख रेख में कर रहे हैं, महेश जी को उन्होंने डुपुट कर रखा कि आप यहाँ कराइए। आपको कब पता चला इस घटना को लेकर? मेरे को तो उसी मालूम तो पड़ गया था जी कि यहाँ वो मिट्टी निकल रहे हैं, पर उसने बोला कि मेरे तो मेरी निजी ज़मीन से कर रहा हूँ। आप पंचायत के मुखिया हैं, वहाँ के सरपंच भी हैं, आप मंडल अध्यक्ष भी हैं, तो आपके नॉलेज में यह कुछ भी नहीं, चोरी चुपके ये इतना बड़ा कांड हो रहा है? हाँ तो गलत हो रहा ना, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। सुनने में यह आ रहा है कि सरपंच द्वारा यह क्या गलत? नहीं, अपने को तो पता नहीं है, मेरी विशेष सरपंच है ना, मेरे को पता ना मिसेस को किसी ने बताया, ना गांव के चौकीदार को बताया, ना गांव के पटेल को पूछा। हम तो सोच रहे हैं कि गलत है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। शुभ नाम आपका? तुलसी गणावा, भाजपा मंडल अध्यक्ष खवासा।